दुबई अबू धाबी कतर आठ कंट्री के आठ देशों के 25 मैनेजर्स को इनवाइट किया है और उसके साथ में जो कुछ स्पीकर्स हैं, कुछ सप्लायर्स हैं, तो वे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ये 3 दिन में एक सेमिनार होगा, 2 दिन का सेमिनार होगा। एक दिन हम पहले दिन तो पूरी तरह से वाराणसी देखने जाएंगे और वाराणसी के कल्चर, ट्रेडिशन, यहाँ के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। गंगा माँ जो है वहाँ पर, जब बजड़े में हम चलेंगे तो वहाँ यहाँ जो जितने भी घाट हैं उनमें से 4 घाटों को चुना है हमने, उन 4 घाटों की स्टोरी जीवित की जाएगी और हमें बताएंगे कि इसका लेजेंड क्या है, ये इस घाटों का नाम ये कैसे पड़ा हुआ है। तो एक 90 बजड़े पर स्टेज बनाकर उस पर आर्टिस्ट होंगे जो परफॉर्म करेंगे और वो हम लोगों को दिखाएंगे स्टोरी के द्वारा। ये कार्यक्रम कब से कब तक? ये 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक है और यहाँ जो गेटवे होटल गैंजेस है जहाँ हम बैठे वहाँ पर रखा हुआ है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम सबसे पहले तो हम एक एनुअल कन्वेंशन रखते हैं। तो एनुअल कन्वेंशन होता है साल भर में एक बार ही हम एक दूसरे को पहली बार ही मिलते हैं जहाँ अलग अलग प्रांतों के लोग आते हैं। तो पिछले सबसे पहले तो हमने बम्बई में किया 4 साल, फिर भुवनेश्वर किए, फिर जोधपुर किए और हर जगह में हम चाहते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की लोकल कल्चर है, हिस्ट्री है, वो लोगों को दिखाए और साथ में हमारा सम्मेलन भी हो। तो मूल उद्देश्य तो सम्मेलन है, एक दूसरे को मिलना है, उसके साथ में लोकल लैंड और लोकल कल्चर को लोगों को दर्शाना। ये 4 जो घाट है कौन कौन से घाट आपने चूज़ किए हैं? अब मुझे 4 नाम तो याद नहीं है, पर तुलसी घाट है, मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है और एक चौथे घाट है, सर मैं नाम चाहता हूँ। मुझे तो मणिकर्णिका दोनों रखते हैं, तो क्या मोक्ष मुख्य बिंदु होगा, वो काशी का मोक्ष? हाँ जी, तो मोक्ष तो है ही साहब, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि सबसे पहले कि काशी क्यों है और काशी का नाम कई लोगों को नहीं पता कि वो काशी के महत्व और काशी के बारे में जानकारी लोगों को नहीं है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि इस घाटों की स्टोरी और उसका निर्माण कैसे हुआ और उसके साथ में लेजेंड यानी वो क्यों बना हुआ है। हम सिर्फ वाराणसी कहते हैं, हिंदू मतलब मोक्ष के लिए आते हैं यहाँ ये कहते हैं, पर उसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों बना, उसकी स्टोरी हम जरूर लोगों को बताएंगे।